तो उन्होंने दिया एक डायरी तो और एक कैलेंडर एसबीआई वाला, और कुछ भी नहीं मिला, इतना दुखी हुआ मैं। चलो आप देखिए, तो ये जो है हमारा, तो ये हमारा क्रिटिकम एस्टिवम है। तो आप सेम फॉर्मूला हम लोग यहां लगाएंगे दैट एन एक्स इज इक्वल टू टू एन, सो एन इज इक्वल टू टू एन बाई एक्स इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हमें यहां से मिल गया, तो नेचर ऑफ पॉलीप्लॉइडी। कोई शक? इसे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहां से आया? चलिए, सो हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द व्हाट, यूज ऑफ माइटोटिक। ये हमने पॉजिटिव यूज किया माइटोटिक पॉइजंस का, बट उसका अलग अलग प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेव कर देते हैं। ये फिर सेव नहीं होता, गड़बड़ करता है। चलिए, सेव हुआ कि नहीं पता नहीं, इसको क्लोज कर दिया जाए। Let us close it. Yes, कर देते हैं। चलो, शायद it is saved. Okay, so this is the concept. अब हम लोग चले जाएंगे दूसरे टॉपिक पे। तो अब हम लोगों ने माइटोटिक पॉइजंस डिस्कस कर लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ माइटोसिस, उसको हम लोग एबनॉर्मल माइटोसिस बोलते। ठीक है, तो ये एक यूनिक टॉपिक है, ये जनरली आप लोअर एनिमल्स में या लोअर प्लांट्स में पढ़ते हैं। तो एबनॉर्मल माइटोसिस, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, सबसे पहला है इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस। इसका मतलब क्या है, ये माइटोसिस न्यूक्लियस के अंदर होता है। यार ब्लैक कर रहा हूं, यार येलो। सो इंट्रान्यूक्लियर माइटोसिस या प्री माइटोसिस, तो इसमें क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डीजेनरेट। ठीक है, तो ये डीजेनरेट नहीं करता, एंड स्पिंडल इज इंट्रान्यूक्लियर। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है बोलो, अगर इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल है तो व्हाट इज द बेसिक लॉजिक, नॉट मेड फ्रॉम सेंट्रियोल। अब इतना सा भी बोलने में आपको दिक्कत हो रहा है। चलिए, तो उसके बाद यह है डायनोमाइटोसिस, ऑटोमेटिकली डायनोफ्लेजिलेट्स में होता है। तो दे पोजेस कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स इवन इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। देख रहे हो कि नहीं, ये बढ़िया यूनिक चीज है कि वो जैसे हम लोग का क्या है, एक बार डिविजन चला गया क्रोमोसोम्स को हम खोल देते हैं, बढ़िया, हर समय उसको पैक करके रखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डीजेनरेट, डिविजन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल चैनल्स दैट डेवलप इन द न्यूक्लियस। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ माइटोसिस है। उसके बाद फ्री न्यूक्लियर डिविजन, तो समटाइम्स रिपीटेड माइटोसिस अकर विदाउट सबसिक्वेंट क्या, साइटोकाइनेसिस। तो बिना साइटोकाइनेसिस के माइटोसिस हुआ जा रहा है, इट प्रोड्यूसेस मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका धड़ाधड़ होगा। जनरली हमारा आप देख रहे हो, ये स्लाइम मोल्ड्स है, वॉशेरिया है, राइजोपस जो है फंगस, तो इन सब में ये रिपोर्टेड है। ओके, सो इसमें क्या होगा, दैट द माइटोसिस इज एबनॉर्मल, मतलब इट डज नॉट टेक द नॉर्मल वे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कंसेप्ट्स हो गए, इसको हम लोग डिब्बा बंद कर देंगे। चलिए, तो ये हमारा एबनॉर्मल माइटोसिस हो गया। इसमें और भी टाइप्स ऑफ माइटोसिस है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, एंडोमाइटोसिस, सी माइटोसिस, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस भी होते हैं। बल्ले बल्ले, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइटोसिस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस। ना याद रखना,
मियोसिस में हम लोग जनरली सिर्फ मियोसिस वन पढ़ते हैं, क्यों बोलो? वाई वाई विथ क्वेश्चन मियोसिस टू सिमिलर टू सिमिलर है, माइटोसिस सर। यस। माने जो भी इवेंट्स हम लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, हम 2n के जगह पर n कर देंगे, एन ओके, यूज करेंगे। बस, और कुछ डिफरेंस नहीं होता है, तो रेस्ट एवरीथिंग इज सेम, ठीक है जी? सो दैट इज द केस, हो गया? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक है। नाउ अब ये जो है, इसमें मैं बता रहा था ना, जो जो थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है, तो वो एंडोमाइटोसिस से है, तो इसमें हम लोग उस पॉइंट को भी ऐड कर देते हैं। ओके, सो इसमें एक फोर टाइप लिख देंगे एंडोमाइटोसिस। सो एंडोमाइटोसिस, नाउ इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ए सेट इन न्यूक्लियस विदाउट कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो इसमें ना तो कैरियोकाइनेसिस होगा ना साइटोकाइनेसिस होगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक है पॉलीटेनी, तो ये आपका पॉलीटिन क्रोमोसोम्स में होता है। हियर क्रोमोसोम्स डिवाइड एंड रीडिवाइड विदाउट सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स सो दैट सच क्रोमोसोम बिकम मल्टी स्ट्रैंडेड, ओके, एंड मल्टी स्ट्रैंडेड विथ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए, ओके। तो इसीलिए इसको सो पॉलीटेनी, ओके, इसलिए सो पॉलीटीन या मेनी स्ट्रैंडेड। इसलिए क्यों इसको मेनी स्ट्रैंडेड बोलते हैं? इसको इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ओके। क्रोमोसोम्स रिमेन इन परमानेंट प्रोफेज स्टेज, समझ रहे हो? मतलब ये आगे नहीं जाएगा, क्यों? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए डैमेज होने से सेल डिवीजन कंटिन्यू नहीं करता है, ओके। तो से क्रोमोसोम्स रिमेन इन परमानेंट प्रोफेज स्टेज एंड डू नॉट अंडरगो सेल साइकिल, ओके। ये एग्जांपल है पॉलिटिन, तो ये आपको सैलिवरी ग्लैंड में मिलता है, सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स, ओके, या इसको हम लोग बेल्बियनी क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। क्यों? इसको बेल्बियनी ने ढूंढा था, ओके, पॉलिटिन क्रोमोसोम्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फाइन। तो ये एक हमारा स्पेशल टॉपिक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सो दैट इज कॉल्ड योर क्या? दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लॉयडी, ओके। तो इसीलिए जो पॉलीटेनी है ये बहुत ज्यादा हो सकता है, ओके। तो पॉलीटेनी कैन बी मेनी टाइप्स मेनी नंबर, तो इसमें 512 से लिखा है 124 तक, तो द नंबर में राइज फ्रॉम 500 क्या, द नंबर ऑफ क्रोमाटिड्स में वेरी फ्रॉम 512 टू 1024 और मोर, समझ रहे हो? तो इसे क्या होगा, सिर्फ आपका न्यूक्लियस इंटू 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 होता जाएगा, आगे कुछ नहीं होगा ना। पॉलीप्लॉयडी को हम लोग एंडो डुप्लीकेशन बोलते हैं, ना एंडो डुप्लीकेशन, ना हियर ऑल क्रोमोसोम्स इन अ सेट डिवाइड एंड इट्स क्रोमेटिड सेपरेट बट न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड, ओके। तो न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता, दिस रिजल्ट्स इन क्या? सो दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस, तो 4x, 8x एंड सो ऑन, दिस इंक्रीज इन सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉयडी। इट कैन बी इंड्यूस्ड, तो नेचुरल तो हुआ कैसे पता नहीं,
इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय कॉल्चिसिन एंड ग्रैनोसैन. तो ये सब कंपाउंड्स हैं. दीज क्रोमोसोम्स आर नॉर्मल एंड अंडरगो सेल साइकिल. मतलब ये गाड़ी आगे चलेगा, ठीक है. नाउ उसके बाद है सी माइटोसिस. ओके, सी माइटोसिस. तो इट इज कॉल्चिसिन इंड्यूस्ड माइटोसिस. ओके, विच वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्रैकेट. तो कॉल्चिसिन इज एन अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड कॉर्म, सी ओ आर एम. कॉर्म क्या होता है? मॉडिफाइड स्टेम ऑफ मीडो सैफरन या उस ऑटम क्रोकस. ये उसका कॉमन नेम से मीडो सैफरन का हो या ऑटम क्रोकस. कॉल्चिकम ऑटम नेल फैमिली लिलियसी. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्या डस्टिन इन 1934 एंड यूज्ड टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी बाय ब्लेक्सली. दिस कॉल्चिसिन इज ए माइटोटिक पॉइजन एंड इनहिबिट्स स्पिंडल फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये स्पिंडल फॉर्मेशन को रोक देगा. इसलिए हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे. तो एंडोमाइटोसिस. ओके, तो इसके अलग अलग टाइप्स ले लेंगे. पॉलीटेनी, पॉलीप्लॉयडी एंड सी माइटोसिस. ठीक है, नाउ कॉल्चिसिन, कॉर्म, मीडो सैफरन या ऑटम क्रोकस, कॉल्चिकम ऑटम नेल. ओके, ब्लेक्सली एंड डस्टिन. ओके, ये माइटोटिक पॉइजन है, हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं. तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस. अब हम नेक्स्ट पॉइंट में चले जाएंगे. ओके, नाउ ये जो कॉल्चिसिन है इसको अगर हम लोग यूज करते हैं तो क्या होगा? तो इफ यू यूज कॉल्चिसिन वी कैन डेलिबरेटली क्रिएट योर इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है जी, तो ये हमारा कंसेप्ट है. चलिए, तो इसीलिए कॉल्चिसिन जो है ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन, तो ये आपको जानते हो. ओके, ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल. अब तो स्पिंडल बनेगा नहीं, तो द सिस्टर क्रोमेटिड्स फेल टू सेपरेट फ्रॉम देयर क्रोमोसोम्स एट एनाफेज. Thus, each chromosome now has two chromatids and two sets of genes. This colchicine treated cell now has double the number of chromosomes as genes. So, ab ye kya ho gaya? This is actually 2 into 2n, comma 4c. Okay, so ye double ho gaya. तो जो आपका एस फेज है आपका उससे ये डबल हो गया. फाइन, 2 into 2n and 4c. क्यों? ये हमने डबल किया था, ये पहली बार कर रहे हैं. सॉरी, ये 2n 4c हो जाएगा, पहली बार कर रहे हैं ना. तो अब 2n 4c जो है वो डिवाइड करके क्या बनना चाहिए? 2n 2c, बट ये नब बढ़ता जाएगा. Okay, this increases the number of chromosome sets and sets. This increase in number of sets of is called polyploidy. तो इसलिए अगर हम लोग सेट बढ़ा रहे हैं तो वो polyploidy भी बढ़ेगा. Okay, चलिए. Now, such type of colchicine induced mitosis is called C mitosis and the nucleus will double the number of genes as restitution nucleus. Iska naam change ho jayega. So this is called restitutor nucleus. Now, granosan and vinblastin. Okay, ye aapke anti-cancer drugs hai.
are similar to colchicine in action. Okay, colchicine also inhibits cell plate formation by preventing assemblage of microtubules. जब स्पिंडल बनेगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली सेल प्लेट भी नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो परसिस्टेंट स्पिंडल रहेगा नहीं ना. तो कॉल्चिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल्स. ओके, तो उसका एनिमल सेल्स के साइटोकाइनेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं है. कॉल्चिसिन इंड्यूस सेल्स आर यूज टू स्टडी द नंबर एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, सो इसलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अगर आपको पढ़ना है तो इससे आप नंबर पढ़ सकते हो एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ सकते हो. ओके, क्यों? बिकॉज वो डायड हो जाएगा, कभी टेट्राड हो जाएगा. नंबर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स and make a karyotype. Colchicine does not inhibit chromosome replication. ठीक है? Now, इधर हम लिख सकते हैं vinblastine and vincristine are used as anti-cancer drugs. समझ रहे हो? तो since ये metaphase जो माइटोसिस को इनिबिट करता है, तो हम इसको दवा के रूप में भी ले सकते हैं. ओके, सो वी कैन यूज इट एज मेडिसिन. अंडरस्टूड? ये हमारा कंसेप्ट है. चलिए, सो दैट इज ऑल अबाउट माइटोसिस एंड वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट. ओके, सो अब हम लोग मियोसिस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास. तो मियोसिस में एज यूजुअल हम लोग सिर्फ पहला ही स्टेज डिस्कस करेंगे, दूसरा सिमिलर होता है. ओके, सो गुड नाइट एंड शब खैर.